आप देख रहे हैं नो द डांस पंजाब केसरी टीवी। 14 नवंबर से जो ट्रेड फेयर है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज की अगर बात करें तो आज पंजाब डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये पंजाब का स्टॉल जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फुलकारी जो पंजाब की फेमस है और जिनको अभी पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, उनको यहाँ पर लाजवंती जी को यहाँ पर बैठाया गया है और ये कभी आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को जो फुलकारी है वो काफ़ी पसंद भी आती है। लाजवंती जी, कितना लोगों को पसंद आ रहा है इस बार? आता तो बहुत पसंद है, मैं इंडिया के वर्ल्ड में पसंद आता है। क्वालिटी अच्छी दो, बस हमारा ये धर्म है अच्छी चीज दो, बच्चों को फ्री में सिखाओ। कभी बच्चे आते लिफ्ट के बच्चे आते, कभी मैंने पैसे नहीं लेते, लेकिन ध्यान से सीखो, ये नहीं सीख के भूल जाओ वो भी काम नहीं है। अभी मंत्री जी भी आए थे, क्या कह के गए? नहीं, वो तो कहते मेरे को मिलना। नहीं, पंजाब में ऐसे है ना, जो सरकारी ग्रांट जाती है वो हमारे एक रेखा मान है, वो खाई जा रही है अफसरों से मिल के, और जो असली है उनको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ वो है ना बस ऐसे बना बना के गवर्नमेंट को लूट रही है। हमारा फर्ज है हर एक की सेवा करना, जिसका हक बनता है उसको पैसा दो। गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो हमारे फर्ज बनता है, जाए एक लेडीज को दे के पूछो। अभी करना है मैंने पंजाब के लिए, जितने बच्चे नशेड़ी हैं उनको काम सिखाना और उनको काम देना। अच्छा, क्या क्या बनाया फिर आपने? ये बच्चे जो बच्चा वो करते हैं ना नशा, ये वो लोग बनते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, दो पैसे कमाते हैं तो नशा दूर हो जाएगा, जो फ्री बैठ घूमेंगे तो इनको नशा ज्यादा करता है। लेकिन तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, फुलकारी कैसी पसंद आ रही है आप लोग? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत ज्यादा अच्छी। आंटी इतनी एज में बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है, हम लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं कि हम लोगों को भी ये चीजें सीखनी चाहिए। और बहुत अलग अलग वैराइटीज की वो लगी है यहाँ पे, ट्रेडिशन ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमारी कंट्री की, और ज्यादा इससे इनकम होगी, अच्छी ज्यादा बिल्कुल ज्यादा इनकम होगी। आपको दिखाते हैं पंजाब पवेलियन का जो स्टॉल है, क्योंकि इस बार की अगर बात करें तो इस बार जो है जो थीम था ट्रेड फेयर का वो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का थीम जो है वो रखा गया था। यहाँ पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो स्टॉल है वो भी लगाया गया है कि किस तरीके से वेस्ट जो चीज़ें होती हैं, जो रैपर होते हैं, उनसे किस तरीके से सामान जो है वो बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि वेस्ट जो चाहे वो पोलोथीन की बात करें, चाहे वो बोतल की बात करें, उनसे ये की रिंग जो है वो बनाए गए हैं। और साथ ही साथ चेयर की आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें पंजाब टूरिज्म की, तो पंजाब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी उसके स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं कि पंजाब में किस तरीके से जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है उसके लिए भी। पर यहाँ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि साइकिल का ब्रांड जो है पंजाब में ज़्यादा चलता है और साइकिल यहाँ पर लगाई गई है, ये भी आकर्षण का जो है केंद्र बनी हुई है। साथ ही साथ पंजाब अगरो की बात करें तो उसके स्टॉल भी जो है वहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इन्वेस्ट पंजाब की, तो वो भी यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं कि जिससे कि पंजाब में इन्वेस्ट जो है वो आ सके। देखा आपने कि किस तरीके से पंजाब पवेलियन में लोग जो है काफ़ी खासी भीड़ भी दिखाई दे रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नॉर्थ टाइम्स पंजाब के टीवी।